का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें, लोकसभा में सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यानी कि यूपी में इस बार 7 चरण में वोट डाले जाएंगे। वैसे यूपी को लेकर कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता उसने भारत जीता, आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन 80 सीटों के साथ लोकसभा की नेतृत्व करने की ताकत रखने वाला यह राज्य जातिगत समीकरण में उलझा है और जिसने इसे सुलझा लिया उसने मैदान मार लिया। यहां लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, जिसमें से 63 सामान्य वर्ग और 17 सीटें आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित है। चुनाव में यहां 80 बनाम 20 की जातिगत राजनीति खूब देखी जाती है। वैसे तो जातीय जंधार पूरे देश में चुनाव में जीत का अचूक अस्त्र है, लेकिन सूबे में यह ज्यादा देखी जाती है। यहां विकास के मुद्दे दूसरी प्राथमिकता होती है, पहली प्राथमिकता जाति ही होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश को फतेह करने के लिए जातियों की समझ होना राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है। प्रदेश में सबसे बड़ी जाति समुदाय ओबीसी है, लेकिन केला करने की ताकत मुस्लिम और सवर्ण सभी वर्ग रखते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अपने विकास के एजेंडे में इस जातियों का खूब ध्यान भी रखती हैं। प्रदेश के कुल 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि बाराबंकी सीट से उपेंद्र रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन अभी तक मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको ये भी बताते चले कि पार्टी द्वारा उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरण को साधने की खूब कोशिश की गई है। 51 उम्मीदवारों ने ओबीसी के 21, अग्नि के 18 और दलित वर्ग के 12 उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। अब अंत में बात करते हैं बीजेपी के 80 में से 80 सीटें जीतने के पीछे क्या प्लान है, कैसे पार्टी इस लक्ष्य को आसानी से पार कर सकती है, या फिर विपक्ष बीजेपी के इस महत्वाकांक्षा पर पानी फेरने में कामयाब हो जाएगा। यूपी में लोकसभा के मद्देनजर हुए चुनावी सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है कि पार्टी का दबदबा इस चुनाव में भी कायम रहेगा। बीजेपी का मजबूत पक्ष ब्रांड मोदी की विश्वसनीयता पर यह मुकाम हासिल कर सकती है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि मोदी पर अत्यधिक निर्भरता और जीत का अति आत्मविश्वास के बीच वर्तमान प्रत्याशियों से जनता की नाराजगी परिणाम में परिवर्तन भी कर सकती है। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।